हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अजीत और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजी एजुकेशन में। आज हम लोग बात करेंगे जो भी मजदूर छात्र अन्य राज्यों में फंसे हैं वो वापस कैसे आ पाएंगे अपने घर, इसके लिए आप लोग आवेदन कैसे करेंगे, स्टेप टू स्टेप जानकारी देंगे। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, इससे हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। तो जी हाँ, अगर आप बिहार या यूपी या किसी भी अदर स्टेट से अपने घर वापस आना चाहते हैं तो इसके लिए आप लोग ऑनलाइन आवेदन कैसे करेंगे, हम आप लोगों को पूरी जानकारी देंगे। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। जैसा कि आप लोग यहां पे देख पा रहे हैं कि ये राजस्थान का ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे आने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। वेबसाइट पे आने के बाद नीचे सिंपली आप लोगों को आना है। आने के बाद आप लोग यहां पे देख पा रहे हैं, जैसे कि यहां पे आप लोग का ये ऑप्शन है, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद रूलर और अर्बन सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप लोगों का यहाँ पे स्टेट है, स्टेट जो भी स्टेट से आप आना चाहते हैं यहाँ सिलेक्ट कर देंगे। ये राजस्थान का है तो राजस्थान सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद आप लोग यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे पंचायत या ब्लॉक सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो है सब डिवीजन आपको सिलेक्ट करना होगा। सब डिवीजन सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से तहसील और यहाँ पे जहाँ पे आप अभी आप हैं वहाँ का एड्रेस आप इसमें फिल कर दीजिएगा। एड्रेस फिल करने के बाद सिंपली आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद आप लोगों को जो है यहाँ पे, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, नीचे आने के बाद जो है गंतव्य स्थल, जी हाँ, यहाँ पे आप लोग कहाँ तक आना चाहते हैं। अगर आप बिहार आना चाहते हैं यहाँ पे आप बिहार स्टेट सेलेक्ट कर देंगे। यहाँ पे आप जो है बिहार में कहाँ आपका कौन सा एड्रेस है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे। एड्रेस सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से जो आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में आप आना चाहते हैं। आने के बाद यहाँ पे जो है आप लोग अपना डाटा जो है यहाँ पे फिलअप कर देंगे। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं इसमें जो है नाम बोल रहा है फिलअप करने के लिए। नाम के बाद आप लोग अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे। जेंडर सेलेक्ट के बाद यहाँ पे एज सेलेक्ट कर देंगे। अगर आप एक से ज़्यादा आदमी आना चाहते हैं तो यहाँ पे जो ये प्लस के सिंबल पे आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे आप लोग क्लिक करेंगे देख रहे हैं कि दूसरे आदमी का यहाँ पे जो है डिटेल्स ओपन होकर आ गया। इसमें दूसरे आदमी का आप डिटेल्स फिल कर देंगे। अगर नहीं तो सिर्फ एक ही आदमी आप लोग आना चाहते हैं तो इसको रिमूव भी कर सकते हैं। यहाँ से रिमूव पर क्लिक कर देंगे, रिमूव हो जाएगा। उसके बाद नीचे आप लोगों को जो है यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर फिल कर देना है और यहाँ पे जो आप ये देख लीजिएगा यस और नो, जो आप लोगों को सिलेक्ट करना हो वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद जो है यहाँ पे चेकबॉक्स में आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं सबमिट का बटन है तो आप लोग सारे डिटेल्स कर लेंगे। चेक करने के बाद अगर आपका डिटेल सही है तो यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक जैसे ही करेंगे आपका जो है ये सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद जो है आप लोग को तुरंत इस स्टेट में नहीं आ सकते हैं। इसके आने के लिए जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि स्क्रीन पे एक ये पॉपअप चल रहा है, जैसा कि यहाँ पे आप लोग इसमें देख रहे हैं कि ई मित्र पोर्टल पर आपके द्वारा दिए गए रजिस्ट्रेशन को यात्रा करने की अनुमति न समझे, सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त होने के उपरांत ही आपको यात्रा प्रारंभ करें। जी हाँ, जैसे आपका फॉर्म एक्सेप्ट होगा आपको यात्रा के लिए जो आपके मोबाइल नंबर या यहाँ से आप स्टेटस भी चेक कर सकते हैं कि आपके आवेदन का स्टेटस क्या है। तो इसी तरह से आप लोग अपनी जानकारी फिलअप करेंगे इस फॉर्म में और सभी राज्य के मुख्यमंत्री अपने अपने वेबसाइट लॉन्च कर रहे हैं। जैसे जैसे वेबसाइट लॉन्च होगी आप लोगों को हम जानकारी देते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।